मैं ऐसा ही हूँ. नहीं obviously बाहर मैं ईशा से ब्रेकअप के बाद मैं बहुत चेंज हो गया था. मैंने एक शो भी किया, अगर आप इसी चैनल का शो किया था, तो मतलब मुझे खुद में बहुत चेंजेस दिखे. मैं लोगों से सबसे अच्छे से घुलने मिलने लग गया था, मेरा गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया था, हर चीज़ नॉर्मल हो गई थी. पर यहाँ आने के बाद जब आप पे वो चीज़ें हावी होती हैं ना, तो आप जो बहुत हद तक कंट्रोल कर रहे होते हो वो कंट्रोल आपसे हो नहीं पाता है. तो आप एकदम से जो आप कंट्रोल कर रहे होते हो वो फूटता है, और जब वो फूटने लग जाता है फिर वो कंट्रोल वे में आ नहीं पाता है. तो मैं ऑब्वियसली प्राउड नहीं हूँ, बट मेरी ये पर्सनैलिटी है, मैं ऐसा ही हूँ. बट मैं उस चीज़ को काफ़ी हद तक, जो मेरा अग्रेशन लेवल है, बस मुझे वही लगता है कि मेरा जो अग्रेसिव नेचर है जो भी है वो चीज़ गलत है. बाकी जो मेरी चीज़ें हैं वो मेरे को अच्छी लगती हैं. जैसे मैं बहुत फोकस्ड हूँ, मैं अपने काम को सीरियसली लेता हूँ, मैं आगे बढ़ने की ट्राई करता हूँ. बस जो वो नेचर है उस वजह से मेरी बहुत चीज़ें ख़राब होती हैं ऑब्वियसली. मैं उस चीज़ को ठीक करना चाहूँगा, उसके अलावा मैं जैसा हूँ मेरे को मैं बहुत अच्छा लगता हूँ. हाय, दिस इज़ लेटी फ्रॉम मिडडे. ओके, मेरा काफ़ी सारी बातें हुई, काफ़ी इल्ज़ाम, काफ़ी खुलासा हो चुका है, काफ़ी आप लोग ने बोला है. मुझे सिर्फ एक जानना है आप सबसे कि इसके बाद, लाइक स्पेशली विकी और अंकिता, इसके बाद कपल थेरेपी लेनी पड़ेगी बहुत, और बाकियों से क्या आपको भी वापस जाके ये घर में जैसा माहौल, जितने इल्ज़ाम जो भी नेम कॉलिंग सब हुआ है, घर जाके थेरेपी लेनी पड़ेगी. थेरेपी यही है, अभी मैं घुटने में जाके इनको सॉरी बोल दूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा. मेरी गलतियां मुझे माफ कर दे, क्योंकि ये मैं सच एक बात बोलना चाहता हूँ. आप घर में जब इतने दिनों तक रहते हैं ना, आपको अपने रिश्ते में, शायद जब हम बाहर भी अपने घर पर रहते हैं, हम दोनों ही रहते हैं, तो उस टाइम ना आपको आपकी गलतियां शायद कोई बताने वाला नहीं होता, और आपको कभी समझ में भी नहीं आती. आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि 100 दिनों में मुझे इतने सारे लोग, और जब वही 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 सवाल पूछ रहे ना, तो शायद अब मैं अपना लुक बैक करूं तो मुझे लग रहा है ओ शायद सच में उस समय पे मुझे नहीं ये एहसास हो पा रहा था कि सच में मतलब ऐसी कुछ चीजें हो रही थी जो शायद बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी. मैं वैसा इंसान हूं ही नहीं अपनी लाइफ में. मैं उस अभिमान के साथ, अंकिता के साथ हर जगह खड़ा रहा हूं. आई हैव ऑलवेज बीन हर वेरी स्ट्रांग सपोर्ट एंड शी हैज बीन माय सपोर्ट. आई एम सो थैंकफुल कि आज मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से यहां पहुंचा. मैं कभी नहीं शर्माया बात बोलने से, बट यू नो इस जर्नी में कहीं सच में इतना खो गया कि शायद वो एहसास जो होता है एक रिश्ते का, वो ही खो गया था. तो आई रियली वॉन्ट टू से सॉरी टू हर दैट यू नो, शायद हर वो चीज के लिए जो मुझसे गलत हो गई, और आई विल पक्का मेक इट अप टू यू. आई प्रोमिस आई विल मेक इट, आई प्रोमिस. मुझे आज तक सच में समझ में नहीं आया कि मेरे मायके वालों ने सिखाया है, मायके वालों ने. कॉन्फ्रेंस यहीं से करो, हमें कंटिन्यू, हमें यहीं से करो. मनारा मुनावर, घर जाके थेरेपी लेनी पड़ेगी. अब जरूरत नहीं थेरेपी की, हम दोनों कपल नहीं, नहीं इसके लिए आपके लिए कपल नहीं बोला. कपल वो कपल थेरेपी या सिर्फ थेरेपी, फिर थेरेपी. मैं जहाँ तक समझता हूँ, थेरेपी वगैरह जो है उससे बेहतर एक चीज़ ये होगी कि मेरी वजह से जो हर्ट हुआ है और मेरी वजह से जिसको प्रॉब्लम हुई है, मैं उनसे सॉरी कहूँ, और वैसा सॉरी कहूँ कि मुझे वैसी माफ़ी मिल जाए कि मेरे लिए वो थेरेपी हो, तो शायद वही कोशिश रहेगी. मैं बाहर जाके कपल बनाऊंगा, फिर थेरेपी बना रहा अगर मैं बन गई तो. मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि जब मैं घर जाके अपनी मॉम, अपनी सिस्टर को देखूंगी, और मुझे वॉक करने का बहुत शौक है, मैं अपनी बैक रोड पे जाके वॉक करूंगी, तो मेरे बोले वो थेरेप्यूटिक हो जाएगा. एंड हाँ, मुझे बाबा पे ढूंढ लेना. टाइमिंग बता, टाइमिंग टाइमिंग बता. रात के 9 बजे के बाद मैं वही मिलती हूँ. तो मेरे लिए वही अपने एयरपोर्ट्स लगा के वॉक करना, अपनी फैमिली को मिलना, गुरुद्वारे जाना, मेरे लिए वही थेरेपी है. एंड आई एम फाइन विद दैट, एंड आई विल बी बैक टू वर्क. थैंक यू. मुझे ऐसा लगता है मेरी थेरेपी से पहले मैं जब घर वापस जाऊँ, मुझे घर जाने के बाद आई थिंक हमारे पेरेंट्स जो हैं उनसे मिलकर बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी सॉरीज बोलनी है और माफ़ी मांगनी, क्योंकि हमारे इस बर्ताव की वजह से कहीं ना कहीं हमारा परिवार सच में हर्ट है, जो कि कभी एक्सपेक्टेड नहीं था. तो शायद जब वो ठीक हो जाएंगे और जब वो नॉर्मली बात करेंगे और प्यार देंगे, तो हमारी थेरेपी वहीं ख़त्म हो जाएगी. अरुण, आपको
मेरा तो कोई थेरेपी वेरेपी नहीं है, मेरा तो 2-2.5 साल पहले खेल खत्म हो गया, दुकान बंद हो गया, घर वाले को चाबी दे के आया, दैट इज द रीजन यहाँ 5-5 किलोमीटर दूर हूँ मैं सबसे, तो मेरा मसला अच्छा है, देखो बस दूर रहो खुश रहो। मनारा, माई क्वेश्चन इज टू यू, यर समीरा फ्रॉम टेलीग्राम। सो मनारा, आप मुनव्वर को दोस्त जरूर मानती हो, मानती थी, वॉट एवर, अभी आपके टर्म्स अच्छे है नहीं है वो आप ही अभी जानो, बट समझ के साथ बैठ कर दिल के रूम में आप किसी की गरीबी का मजाक बनाना, मैं बता दूं आपको, आप वो आज आपके साथ ही वही प्लेटफॉर्म पे टॉप 6 में खड़े हैं। कौन, किसका मजाक उड़ाया मैंने? मुनव्वर का। नो, आई डोंट थिंक सो। वो एक ही बाल्टी में खड़े रहकर नहाएंगे, ये पानी से निकाल कर ये पानी में जाएंगे, फिर उनके रिलेशनशिप को लेकर आपने मजाक बनाया। हाँ, मैंने उड़ाया। आप बोलते हो आप रिस्पेक्टफुल गर्ल हो, ठीक है, आप इतनी बड़ी फैमिली से आते हो, ये सब बात आपने सबके कैरेक्टर पे बात करी, आप किसी की गरीबी पे या अपब्रिंगिंग या लाइफस्टाइल पर भी बात करो, क्या ये सही है? मैं आपको बताती हूँ, अगर मैंने किसी के गरीबी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से, आई विल जस्ट टेल यू, जब मैं बॉम्बे आई थी, आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोई गरीब फैमिली से हूँ और एनीथिंग, मैं एक वेल एजुकेटेड, वेल ब्रॉट अप, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बट मैं भी एज अ पेइंग गेस्ट रही हूँ, पेइंग अ रेंट ऑफ 8,000 रुपीज विथ 6 गर्ल्स, मैंने वो अर्न करे हैं, सो मुझे लाइफ में पैसों की बहुत वैल्यू है, आज भी मैं अर्न करती हूँ, इवन इफ आई एम जी। आपसे जो पूछे गए हैं वो फैक्ट्स गलत हैं, सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। जी, थैंक यू बिग बॉस। बट वही समर्थ के साथ बैठकर तो आप अपने दोस्त को डिफेंड कर ही सकती थी। कभी भी लाइफ में किसी की गरीबी का, मैम जैसे आपने बोला, मजाक उड़ाऊंगी, क्योंकि आज भी मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ अगर बाहर जाती हूँ ना, तो आई इंश्योर कि एक बार अगर वो बिल पे कर रहे हैं तो दूसरी बार मैं बिल करूं या बिल स्प्लिट करूं। मैं कभी भी किसी पे लाइबिलिटी ना बन के रही हूं, ना कभी लाइफ में मेरा जो हस्बैंड होगा उस पे बन के रहूंगी, तो किसी का गरीबी का मजाक नहीं होगा। आई एम श्योर आपने कॉन्टेक्स्ट गलत लिया होगा, हम बोल रहे थे नैरेटिव जो सेट करा है। लेकिन फैक्ट गलत है, क्योंकि जो बात बोली गई है वो समर्थ ने कही है, ही बोल रही हूँ, डिफेंड कर सकती थी। अंकिता, माय क्वेश्चन इज टू यू, फिनाले वीक का जब टास्क हुआ, जब चारों जन फिनाले वीक में चले गए, आपका जो फेस दिखा, क्या ये अंकिता है या पहले दिन से हमें जो दिख रही है वो अंकिता है? दोनों अंकिता है। कभी कभी मूड खराब भी होता है ना, उसमें कोई गलत चीजें निकल जाती है, और वो भी एक अंकिता हो सकती है। देयर इज नथिंग रॉन्ग, अगर कोई चीज हर्ट है तो वो भी निकल जाए, और कभी एक जो चीज मुन्ना के साथ हमेशा से अच्छी चली आ रही थी, और हर्ट टास्क की वजह से नहीं था मैम, हर्ट मेरा मुन्ना की वजह से, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं वो कनेक्शन मैं फील करती हूँ मुन्ना के साथ, और मेरी उससे बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो मेरा कहीं ना कहीं उसमें ज्यादा गुस्सा था, बट कहीं वो दोनों अंकिता है, यू कैन से दैट। अंकिता, मेरा सवाल आपसे, हाय दिस इज रिद्धि फ्रॉम टेलीजस का, सो आपसे मेरा सवाल है कि हर टाइम जब भी कुछ घर में होता है या कुछ भी होता है तो आप विक्की भैया को ब्लेम करती है, काफ़ी चीज़ों में ऐसा देखा गया है, जब किचन में भी कुछ हो रहा था मनारा के साथ में, आपने कहा था थप्पड़ मार दूंगी ये वो, तो उसके बाद आप जाकर कुछ जताती हूँ ये चीज़, तो चाहे मुझे ऐसा लगता है बहुत ऐसी चीज़ें जो शायद उसे समझ में नहीं आ रही है, एक एज ए वुमेन जो मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, मैं शायद कम्प्लीटली उसे बता नहीं पाती हूँ, तो कहीं कहीं भागों में वो चिड़चिड़ निकल आती है, लेकिन आई एम श्योर कि अब से मैं इस पैटर्न को चेंज करके कुछ नया करूँगी। ओके, मेरा सवाल मुनव्वर और अभिषेक, मनारा, आप तीनों से है कि फिनाले वीक में जब टास्क हो रहा था, टॉर्चर टास्क हो रहा था, तब विक्की भैया और अंकिता आपके टीम में नहीं थे, तो आपको लगता है जो डिसीजन आप लोगों ने लिया है, जिस तरीके से आप फिनाले वीक में पहुंचे, वही सेम रिएक्शन उनका आपका होता, सिचुएशन अगर उल्टी होती तो? अंकिता जी ने तो खुद अग्री किया, डेफिनेटली, और ईशा ने भी अग्री किया कि हम भी वहां पे होते तो वो रिएक्शन, रिएक्शन डिसीजन, डिसीजन के रिएक्शन, अगर उन्होंने डिसीजन लिया होता तो हमारा रिएक्शन क्या होता, उल्टी होती तो? हाँ, मैं क्लियरली बोलता हूँ, अगर मैं वो सेकंड टीम की सिचुएशन में होता तो जो अनफेयर चीज़ें, अनएथिकल बोली गई थी टास्क में दिमाग लगा के, तो कहीं ना कहीं मैं वो चीज़ें ना करता। मैं मुझ में इतनी सच में हिम्मत नहीं है कि मैं बाल्टी लेकर कहीं फेंक दूँ, मुझ में सच में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खाना सच में वेस्ट करूँ, कि मैं इसको बहा देता हूँ या मैं छुपा देता हूँ,
मुझमें शायद वो हिम्मत नहीं है. और आपने अगर थ्रू आउट देखोगे तो आपने देखा होगा कि मैं प्लेट भी कैसे साफ करता हूँ और कैसे बचा कुचा खाना सेकेंड थर्ड डे खाता हूँ. तो वो कहीं ना कहीं मेरे एक्शंस ही है कि अगर पानी फेंका गया है तो मैं माइक ऐसे सामने नहीं करता, पानी फेंका गया तो मैं माइक हटाता हूँ. वो एक प्रोटेक्टिव चीज़ों को लेके नेचर है, तो मैं शायद वो करता ही नहीं, जिसकी वजह से बिग बॉस इस तरह की सिचुएशन में उनको खड़ा करते हैं. और इन केस अगर मुझसे या मेरी टीम से ऐसा कुछ हो भी गया होता तो मैं जैसे बोलता हूँ, मैं अपने फेलियर का इल्ज़ाम लोगों पर नहीं डालता, अपने आप पर ले लेता हूँ या किस्मत पर ले लेता हूँ, तो शायद मैं ओके होता. और कहीं ना कहीं अगर मैं होता, मैं मसाला डाला तो मैं भी डंके की चोट पे रेडी होता कि भाई अगर मैं करा तो सामने वाला भी करता, ये नहीं कि डर डर के छुपाओ सब कुछ और अगले दिन गायब. और अगर वो छिपा मुझे लगता है फन वे में रहना चाहिए, वो छुपाना. मैं करूंगा तो मैं ये भी फन रहना, बहुत सीरियस हो गया उस टाइम पे. उधर हुआ था ना, हाँ देखा तो भाई, अभी बहुत सीरियस हुआ था ना. क्या था, मुनावर मसाले छुपा के बैठा था ना. मिर्ची डालने का मौका मिला किरण जैन दिस साइड फ्रॉम दैनिक भास्कर. सवाल मेरा अभिषेक और मुनव्वर से है, दोनों ही बातों के बहुत माहिर हो. यार उसमें सॉरी बोल दिया, पहले ही सॉरी है. दोनों ही बातों के बहुत माहिर हो, घुमाना कैसे है सवालों को, ये शायद हम सभी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप दोनों ही बहुत अच्छे से घुमा लेते हो और अपनी बात रख लेते हो, जो कि अच्छी बात है. शायद यही वजह है कि आप लोग टॉप 5 तक पहुंच पाए, टॉप 6 सॉरी. आप तारीफ नहीं करेंगे ना, आपने तारीफ नहीं. पर्सनालिटी शो है, इट्स ओके. आप बोले एक के ऊपर वुमेन बीटर का टैग है, एक के ऊपर वुमेन चीटर का टैग है. दोनों ही टाइटल जीतने के, सबसे पहले सवाल ये है कि कितना लगता है कितने डिजर्विंग हो, क्या ये सही एग्जांपल एक्चुअली जा रहा है बाहर के लोगों को, क्योंकि आप दोनों ही, अगर आपसे बात की जाए, शो में जब थप्पड़ कांड हुआ समद के साथ, स्पेशली जब सलमान खान ने आपको सपोर्ट किया, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, लग रहा है कि चलो बहुत अच्छा काम कर लिया, क्योंकि आपको हीरो कहा गया, ठीक है, पोक किया आपने, रिएक्ट किया सही था. यहाँ पे भी हम देखते हैं जब मनारा पर्सनालिटी है, वो बंदी बोल रही है जैसी भी है, ज्यादा बोल रही है कम बोल रही है वो हमें भी पता है, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा फील होता है पर्सनल कि आप पोक कर रहे हो उसको बातों में, या मुनव्वर जैसे अभी तो कम हो गए, काफी थक गए, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत रिएक्शन देना, ओवर करना, पोक कह लो या कह दो ना कि बात बात में उसे कहना. आप शायद, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि पोक करने पर रिएक्शंस क्या होते हैं. जी, पर मैंने आपको नहीं किया. आपको नहीं लगता कि जब मनारा कुछ बोल रही है या कोई कुछ बोल रहे, बीच में अगर आप बोल रहे, स्पेशली जब आज पूरी प्रेस है, आज आपका गेम नहीं चल रहा है, फिलहाल ये 2 घंटे के लिए आपका गेम नहीं चल रहा था जी. तो आप जिस तरह से रिएक्ट करें, क्या ये एक्चुअली आपकी रियल पर्सनैलिटी है, क्या एक्चुअली लगता है कि आप लोग डिजर्व करते हो, और अगर डिजर्व करते हो, अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिए कि आप में क्या ऐसा है जो एक वुमेन बेटर और वुमेन चीटर को. मुनव्वर आपसे, क्योंकि आप बार बार सॉरी तो कह रहे हो जी जी, लेकिन उस सॉरी को भी इतना डिफेंड कर रहे हो, इतना जैसे मस्ती में भी आपने कहा कि मेरा बाहर एक आध दो घर उजड़ जाएगा, मस्ती में ही कहा होगा, चलो ठीक है, बट कहीं ना कहीं, एक मिनट, कहीं ना कहीं बाहर घर के अंदर आयशा है, मनारा है, बाहर नजीला है, इतने आपको तो खैर बाहर का हमें अलाउ भी नहीं आपको बताने का, बट क्या वाकई में आपको लगता है, आप भले ही बहुत अच्छे हो गए, लेकिन क्या एक वुमन चीटर को डिजर्व करते हैं ये टाइटल? ठीक है, आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूं. आपने मनारा का जो नाम जोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल यहां पे कुछ भी नहीं था, ऑलवेज हमारी दोस्ती रही है. लोगों को लगता है जब लड़का लड़की दोस्त होते तो उनको लगता है कि कुछ चल रहा है, पर हम दोनों को पता है ऐसा कुछ नहीं चला. और बाहर से जब लोग भी आए तो उन्होंने बोला है, सलमान भाई ने भी बोला है, और हमें बिग बॉस ने भी, हमें क्लियरली ये चीज़ पता चलती है कि हाँ दोस्त हो तुम लोगों को, पॉजिटिव हो, बट वो लव वाला एंगल नहीं है. पर्सनालिटी की बात करते हैं, पर्सनालिटी का शो है तो डेफिनेटली यहाँ पर आप जब को आपको लाया जाता तो संतों को नहीं लाया जाता, सेलिब्रिटीज़ को लाया जाता है, जिनकी जिंदगियों के जो चीज़ें हैं वही इस गेम का मूल है. मूल मसाला जो है वो हमारी जिंदगियाँ ही है. अगर हमारी सबकी जिंदगियाँ पाक पतीजा जैसी रहेगी ना,
कि भाई सबकी जिंदगियों में दाग धब्बे ही नहीं है, तो ये वाला है वो कोई और चैनल पे ये शो आएगा, और इतना जो एंटरटेनमेंट मसाला एंटरटेनमेंट जो है वो मसाला एंटरटेनमेंट ये शो नहीं दे पाएगा जब सब संत आएंगे। रही बात मेरे फ्लॉस की, मेरी जिंदगी में जो मैंने गलतियां करी है और आप बोल रहे हो कि आप सॉरी बोलते हो वो भी बहुत घुमा फिरा के, नहीं नहीं मेरा ये तरीका है सॉरी बोलने का, मैं जेन्यूनली सॉरी हूँ। मैंने 2 हफ्ते तक अपनी गेम को हवा में उछाल दिया था उस रिग्रेट के चक्कर में कि भाई मेरे को गेम पे ध्यान नहीं था कि मैं इतना गिल्टी हूँ इस चीज़ में। और रही बात बाहर जाके संभालने की, मुझे पता है यहाँ से मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे बाहर जाकर ही करना है। मैं किसके पैर में गिर के हाथ पकड़ के पैर जोड़ के मैं सॉरी बोल रहा हूँ वो आपको नहीं, मैं मुझे प्लीज़, आपका सवाल बहुत लंबा था तो जवाब भी लंबा होगा, आपका मन कर रहा है बार बार मेरे को क्रॉस क्वेश्चन करने का। सर आप बोलिए। नहीं 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 मुझे दिख रहा है वो क्लियरली, तो मैं कहीं ना कहीं ये बोलूँगा कि डिजर्विंग वही है कि एक पर्सनालिटी का शो है, हमारे फ्लॉज है और फ्लॉज हमारे सामने आए, हमारे बाद में बात आए, उसके बावजूद भी हम उस चीज़ से क्या सीखते हैं, हम कितने सॉरी हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जितना मैं सॉरी हूँ मुझे पता है, मेरा दिल जानता है, और कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ दुनिया भी अगर देख रही है तो वो टोटली मुझे देखे, और आने वाले वक्त में भी मेरी हरकतों को या मेरे काम को, मेरी चीज़ों को, और मैं जो सॉरी कहता हूँ उसको कितना मीन करता हूँ मैं, उसको आगे की जिंदगी में देख कर अपना जजमेंट हमेशा जिंदगी में ले। ऐसे तो नहीं है तो यही प्लेटफॉर्म है, इसके बाद भी मुझे काम करना है, तो आप वो चीज़ आप भी देखेंगे कि मैं अपनी गलतियों से क्या सीखाऊँ, और ये शो ही आपको सिखाता है, बनाता है, और मुझे इस शो ने बनाया है, और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मुझे जो भी एक्सपीरियंस करने मिला शायद मैं बाहर हैंडल कर लेता, यहाँ नहीं कर पाया। इसकी वजह से वो जो धक्का लगता है ना कि आप गिरे इतना बुरी तरह से हो ना कि आप शायद नज़र नहीं मिला सकते लोगों से, तो अब वो नज़र मिलाने के लिए जो मेहनत है ना वो मुझे करनी पड़ेगी। और मैम मेरा सॉरी है, मैं कैसे भी बोलूंगा बट बोलूंगा। आयशा को निकाह का वादा करना या फिर उस बारे में बात करना? मैंने क्लियरली बोला था, मैंने उनको ये बोला था आई एम नॉट श्योर अबाउट समथिंग। सर आप कब श्योर, मतलब आप किसी से, वो भी कह रहे कि रिलेशनशिप में आप वो नहीं होते हो। मैं वक्त लेना चाहूंगा, बहुत बड़ा डिसीजन होता है जिंदगियों का, और मेरी छोटे डिसीजन और नहीं श्योर होने की वजह से ऑलरेडी लोगों को मैं हर्ट कर चुका हूं, तो अब मैं श्योर होना चाहता हूं, तो मैंने उनको ये बोला था इट्स अ हिंट बट आई फील समथिंग इज देयर, बट मैं जब तक श्योर नहीं होता मैं उस चीज पर 100% नहीं बोलूंगा। ये मैंने बोला था, श्योर नहीं थे तो रिश्ता भेजा था आपने? वो बात काफ़ी प्राइवेट और पर्सनल है, और वो हकीकत भी नहीं है जो मैं आपको शायद यहाँ पे आंसर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उसमें मुझे बहुत सारे नेम प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे, तो वो मुझे करना ज़रूरी है। बातों के अभिषेक जी, बातों के माहिर होना पड़ेगा, सवाल आप पूछ रहे हो तो ये क्वालिटी, शायद ये क्वालिटी से जीत जाऊँ। तो ईशा और मेरा एक रिलेशनशिप रहा है, पता ही आप सबको, और मैंने उसको बहुत प्यार किया, और हमारी बहुत लड़ाइयाँ भी हुई हैं हर चीज़ में, आपने वो भी देखी हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें मेरी तरफ से हुई और उसकी तरफ से भी एक दो बार हुई, उस चीज़ का मैं सिर्फ सॉरी ही बोल सकता हूँ, मैं उस चीज़ के लिए प्राउड नहीं हूँ। मैंने स्टेज पे भी सॉरी बोला था, पर उसके बाद जब उसने बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बोली तो फिर मेरे को डिफेंड करना पड़ा। मैंने यहाँ पे भी उसको सॉरी बोला है, समर्थ के आने पे भी, जब मुझे पता नहीं था कि समर्थ उसका बॉयफ्रेंड है, उसके आने के बावजूद मैंने समर्थ को भी सॉरी बोला कि भाई अगर मेरे को पता होता कि तू है इसका बाहर तो मैं इसके क्लोज या मैं कोई फीलिंग्स ना रखता। मैं अभी भी उसके लिए थोड़ा थोड़ा फील करता हूँ, पता नहीं क्यों। अब कल वो गई थी, मैं सुबह तक रो रहा था, मेरे को नहीं पता, मुझे लगा था, और मैंने उसको बोला था कि मुझे टनल तक इसका ही डालो, कि जो मैं टनल तक छोड़ के आऊंगा, और वो कल निकली, बट पता नहीं क्यों मैं इतना ज्यादा रो रहा था, और मुझे मेरी उड़ारियां वाली पुरानी एक साल की मेमोरी सारी रिवाइंड हो रही थी। तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज के लिए प्राउड नहीं हूं, मैं बहुत सॉरी हूं, और मैं पता नहीं डिजर्व नहीं करता हूं वो ऑडियंस, बिग बॉस मेकर, सलमान सर, सब आप लोग डिसाइड करोगे, बट मैं यहां हूं उस चीज के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जो थप्पड़ वाली गलती करी थी, उसके लिए भी मैं सॉरी हूं। मैं अभी ईशा से, समर्थ से, दोनों से, पहलका भाई से, तीनों से हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं, अगर मुझसे गलती हुई तो प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं उस चीज के लिए एक्चुअल में सॉरी हूं, और मैं हमेशा से सॉरी रहा हूं। यहां पे जितने लोग हैं उनको पता है कि मैं उस चीज के लिए सॉरी हूं, बट गलती एक साइड से नहीं थी, गलती दोनों साइड से थी। मैंने स्टोरी हर तरह से बयान ही की, जैसे मुनावर ने भी बोला, कुछ चीजें पर्सनल होती हैं, अगर हम वो निकालेंगे, वही शब्दों की जो आप बोल रहे हो, तो कुछ चीजें निकालेंगे तो बहुत लोग, हमारी फैमिलीज भी आ जाएंगी उस चीज में। मैं नहीं चाहता हमारी फैमिलीज, हमने ऑब्वियसली बहुत नाम खराब कर दिया, उस लेवल पे चले गए, उस पर्सनल चीजों को हम यहाँ पे नहीं खोल सकते, तो बस मैं सॉरी ही बोल के उस चीज को यहाँ पे खत्म करना चाहता हूँ। आई एम सो सॉरी।
या आई एम मेकिंग इट वेरी शॉर्ट. जैसे आई जस्ट स्टार्ट विद अभिषेक. अभी जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ अभिषेक ने मुझे बोला कि इन्होंने तो ये भी बोला कि तेरे को तो कोई काम नहीं मिलेगा. दिस वॉज रिलेटेड टू मौके पे धोखा जहाँ पे एक टास्क हुआ था एंड यू नो ही वॉज लाइक तुम मुझे नाम ही मैं खानजादी से बात करी थी इन्होंने नॉम में इन्वॉल्व कर दिया तो मैंने उस सेंस में बोला था. बट जब ये टनल से बाहर जा रहे थे ना तो मैंने थी जो मैंने बोला था अभिषेक मेरे को पता है तू लाइफ में इस प्लेटफॉर्म में इसलिए आया था बिकॉज तू घर पे तू काम करना चाहता है और यही है जिसने मेरे को दो बार घर से एग्जैक्ट बाहर निकाल ऐसे बोलने नहीं देते. अभिषेक आपको बाहर जाके ना बहुत काम मिलेगा इन्होंने वो नहीं बताया बट अभी मीडिया के सामने आपने बहुत चीजें बोली जो मैं यहाँ पे बोल भी नहीं रहा हूँ. आप मौका दीजिए आपकी चांस चला गया. नहीं नहीं अगर आप गलत बोल रही हैं तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा क्योंकि आप गलत बोल रही हैं. उसी आपको चीज सही होगी तो मैं आपको बोलने दूंगा. इन्होंने वो याद नहीं किया कि इनको जाते हुए मैंने क्या बोला तेरे को बहुत काम मिलेगा बट अभी मीडिया के आगे डीफेम करने के लिए बोला. डीफेम क्या हो गया इसमें काम नहीं मिलेगा उन्होंने सुना हुआ है डीफेम मीडिया के आगे भी देख रहे हैं. डेफिनेटली से फॉर मुनावर आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट एट दिस जंक्शन. सो या फॉर अभिषेक वो करते हैं और वो दो दिन से अरुण भाई के साथ भी कर रहे हैं और आज सुबह से उन्होंने मेरे साथ भी किया. तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आती आप कल दो दिन से बोल रहे हैं इसको समझ नहीं आती. आप मुझे समझने क्यों आती हैं? नहीं आप आपके गार्डन में बोल रहे थे. एनीवे सॉरी. हाय दिस इज अलमास फ्रॉम टेलीबाइट्स. मेरा सवाल विकी से है. आपको हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे जिक्र करते हुए सुने हमने और हाल ही में जो है मुनावर को जो आपने कहा था कि 200 लोग पीछे हैं तेरे जैसे 200 लोग तो एग्जैक्टली हमें ये जानना है कि आपको किस चीज का घमंड है कोयले की खदान का या फिर अंकिता लोखंडे का पति होने का. मैम अंकिता लोखंडे का तो अंकिता लोखंडे का हस्बैंड होने का घमंड है कोयले की खदान का भी घमंड है क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने दोनों चीजें कमाई है. बट जब एक स्थिति होती है देखिए जब दो लोगों का झगड़ा होता है ना तो उस टाइम आप उम्मीद मत करिए कि वो दोनों एक दूसरे से फूल और प्यार की बातें करेंगे. वो दोनों एक आदमी मुझे भी खड़े होकर बोल रहा है कि तुझे मैं यहाँ से बाहर भेजूंगा जब वो बोलता है ना तो मैं भी उसको ये बोलता हूँ शायद ये अरीना तेरा है तू इसको बहुत अच्छे से कर सकता है मेरे पास ये सब कुछ नहीं है फिर भी मैं तेरे सामने यहाँ खड़ा हूँ. लेकिन अगर यहाँ के क्योंकि ये तेरा है और तू मुझे ये जो ऐसे कर रहा है ना तो यहाँ के बाहर की दुनिया में मेरे पास भी उतना पावर है कि मैं ऐसी बहुत चीजें तेरी नेटवर्थ के 200 लोगों को मैं भी रख सकता हूँ. टैलेंट के लिए मैंने हमेशा उसकी टैलेंट की इज्जत की है. कितना भी कभी हमारा रिलेशन खराब हुआ उस दिन भी उसने स्टैंड अप परफॉर्म किया. मैं ये मुझसे थोड़े उसमें था एयर में पूरा वहां पे लेकिन मैं उसके पास जाके उसको बोल के आया कि मैं तेरे आर्ट फॉर्म की हमेशा इज्जत करता हूँ मैंने हमेशा वो बात पे मैं खड़ा रहा हूँ. अगर कोई मुझे ऐसे करेगा ना तो मुझे भी उसको कुछ बोलना पड़ेगा मैम इसलिए बोलने की ये सब बातें होती है. लेकिन दो लोग जब झगड़े में दो मेन हो चाहे दो विमेन होते हैं दोनों बहुत स्टूप डाउन चले जाते हैं तो वो सिर्फ एक स्टूप डाउन का पार्ट है उससे मेरी पर्सनालिटी को जज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके अलावा मैं क्या हूं मैंने वो बहुत अच्छे से इस शो में और भी एस्पेक्ट्स को दिखाया. तो अगर आप मुझे 100% पिक्चर देखेंगे तो शायद एक क्षण होगा जब मैंने अपना लूज करके बोला होगा लेकिन जब मैं अपने सेंसेस में था मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी की होंगी. तो मुझे प्लीज आप सारी चीजों में जज करें सिर्फ एक चीज के बारे में जज ना करें मेरा रिक्वेस्ट है. हाय कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू मैम. हीना कुमावत फ्रॉम फिल्म इंडो. मेरा सवाल अंकिता आपसे है लेकिन अगर आप दोनों मनारा और अभिषेक आप भी कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहे तो जरूर कीजिएगा. आपको एक शब्द अभिषेक ने बोला था पेल देने वाला जिसपे आपने मोर्चा मतलब महिला मोर्चा निकाल दिया था. आपके पति ने भी उस शब्द का इस्तेमाल कर दिया. जी. आप नॉमिनेशन में आ गई उसके बाद मनारा के लिए बार डांसर लुंगी पकड़कर आगे निकल गई जा जाकर उसकी गोद में बैठ. तो क्या आपको लगता है कि आपको कोई बोले तो आप मोर्चा निकाल दे और कोई दूसरी लड़की को बोले तो आप चुप बैठी रहे और उसमें कंट्रीब्यूट भी करे? ऐसा है ना मैम यहाँ पर बहुत लोग एक दूसरे को बहुत कुछ बोलते हैं. अभिषेक ने भी मेरे शादी पे और विक्की के कैरेक्टर पे सॉरी विक्की नहीं मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई थी. ऐसे दिखाया ऐसी तरीके से बात की थी जैसे कि मेरी शुगर डैडी है. तो बहुत चीजें हुई है. इन्होंने लिया था. नहीं नहीं ये इन्होंने बोला था तेरे से शादी क्यों की लड़की क्योंकि इन्होंने भी विक्की भाई ने मेरे को बोला था कि तेरे को बनारा का जहाँ टॉपिक आता है मैं आपको फ्रेंकली बताती हूँ क्या होता है. जब ईशा और
मनारा लड़ रहे थे, मेरा अपना एक कुछ और मेरे दिमाग में चीजें चल रही थी, और यहाँ पे हर कोई किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो अगर मैंने सुनी थी, मैंने बार डांसर, बाकी मुझे नहीं पता, मैंने बार डांसर जाकर बैठ जाइए, आपके शब्द थे अगर मैं गलत नहीं। हाँ, तो क्योंकि मैं बोल रही बार डांसर की बात करी, अगर मुझे बोलना चाहिए सॉक्स सूंघ ले, हाँ बोला होगा मैंने, आई एम श्योर। मेरे से मैंने कल भी इनको बोला, जब सलमान सर ने मुझे रियलाइज कराया तो मैंने उनको सॉरी भी इस चीज के लिए बोला, आई रियली मीन इट। बट द थिंग इज मैम, इतना कुछ हो रहा होता है ना एक दिन में। मनारा का एक वो रहा है मेरे साथ, मतलब एक बैक स्टोरी जिसमें मनारा ने बहुत चीजें बोली है मेरे बारे में। I don't know if you have spoken about it. No. Please tell me. बोलिए ना, बोलिए। आपके fans भी हैं ना इधर? Bitch. मेरे fans कौन हैं? Yeah. होंगे ना, I'm sure. इनको bitch बोले। हाँ, बोला है मैंने। Bitch बोला है इन्होंने। तो ये bitch क्या? मैंने बोला कि आयशा ने आपको बोला था। वो सब बताओ। Okay. ये तो गुस्से में हो गई मेरे से मुनव्वर के साथ बात कर रही है। एनीथिंग एल्स मैम बोलने का, प्लीज लेट मी, मैं आपको बता रही हूं, मैं माना हो तो, जब ये चीजें बात हुई और मैंने भी अगर कुछ बोली तो आई रियली रिग्रेटेड, क्योंकि मैं खुद ऐसी, मैं हूं वैसी एक औरत जो मैं इस चीज के लिए, आज भी जब अभिषेक ने चीज बोली ना कि इसमें क्या हुआ दोस्त है, मुझे वो चीज हर्ट हुई थी, बट यू नो आई, मैंने अच्छा उन्होंने कॉल आउट किया इस चीज को। लेकिन यस, मनारा के साथ जो भी हुआ आई रिग्रेटेड कि मैंने उस टाइम वो चीज क्यों नहीं बोली, और मैंने खुद उस चीज को क्यों बोला, और उस वजह से मैंने उनको सॉरी भी बोला। लेकिन मनारा एट द सेम टाइम जब वो बुरा बोलने पे आती है, वो इतना बुरा बोलती है कि सच में ऐसा लगता है कि इसके मैटर में नहीं पढ़ना चाहिए। इसे कैरेक्टर असैसिन आपने किया है, आयशा के बारे में किया है, आयशा मेरे और मनारा, मैं और मनारा, मैं बोलना चाहती हूँ, मैं और मना रहे हैं बैठे हुए थे, इन्होंने आयशा के बारे में इतना बुरा बुरा बोला है, और मैं इतना उसको, यस मैं उसको बोल रही थी मत बोल मनारा, किसी का कैरेक्टर मत उठा, कैरेक्टर मत, तो अगले दिन जब ये होता है ना, आप दिखाते हो कि आप बहुत क्लासी हो, इस तरह जोगलापन दिखता है, हिपोक्रेसी की, आप उन्हें तो मना कर रही है, आप खुद बोल रही है। मैं वही बता रही हूँ, वो मेरा गुस्सा था कहीं ना कहीं, और मैंने इसलिए उसको, मैंने, यस मैम, लेकिन आप भी वही है, मुझे लगता है कि ये मेरा एक वो चीज था जहाँ पे मैं बहुत क्लासी बनते हैं, बट आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स क्लासी नहीं है। एक सवाल विक्की मेरा आपसे है, आपने अंकिता के साथ अपने रिश्ते को इन्वेस्टमेंट बताया? मैंने वो नहीं बताया, लेकिन आपने बताया था। नहीं, मैंने वो जो कहानी बताई थी, नेम और फेम के लिए अंकिता का हाथ पकड़ के बिग बॉस के घर तक आए, मुख्य द्वार से अंदर आने के बाद तू कौन मैं कौन, वो 2 मिनट तरस जाती थी आपके साथ बैठने के लिए, आपसे तारीफ के एक शब्द सुनने के लिए। आप विक्की भैया तो बन गए, विक्की सैया नहीं बन पाए, जो आप जिसकी वजह से आप आए थे, राइट? तो आपने, बिजनेसमैन हैं आप, रिश्तों में ना लेजर बुक बोलते हैं ना, वो बही खाता वो लेकर बैठ जाते हैं। अगर विक्की भैया नहीं होते तो अंकिता सड़क पर होती, विक्की भैया नहीं होते तो वो मूव ऑन नहीं हो पाती, विक्की भैया नहीं होते तो शायद उनको कोई लड़का भी नहीं मिलता। तो अंकिता आप तो नहीं है, पता नहीं, नहीं आप बोलते हैं ना कि देखो मेरी, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, फाइनेंशियल सजा के आप अपने अच्छे शब्दों से बोल रहे हैं, लेकिन ये मेरे शब्द नहीं है। फाइनेंशियली आपने क्या क्या किया, मैं तुम्हारे साथ 5 साल खड़ा रहा, तो ये एक बही खाता है ना आपके रिश्तों का जो आपने 5 साल से बनाया होगा। मैम प्रैक्टिकल लाइफ में शायद हर कोई अपना एक बही खाता रखता होगा, शायद आज मैं इस मंच पे हूँ और जहाँ पे सारी ये बातें होती है। सबसे पहले मैं इन्वेस्टमेंट वाली बात पे सबसे मैं एक मिनट अंकिता से पूरा कर लूं सवाल। अंकिता, आप तो सच्चे रिश्तों के लिए, पवित्र रिश्ता के लिए जानी जाती हैं, तो ये जो आपका रियल पवित्र रिश्ता या सॉरी इन्वेस्टमेंट का रिश्ता जो अब जहां से हम देख रहे हैं लग रहा है, तो उसके बारे में, क्योंकि दुनिया को ये लगता है क्योंकि हर जगह वही खाता एक जो है खुल जाता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि विक्की ने जो भी मैं किया नहीं किया, अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक विक्की एक ऐसा लड़का है मेरी जिंदगी में जिसने मुझे सच्चाई से प्यार किया, जितना मुझे किसी ने प्यार नहीं किया, मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि उसने हर प्रॉब्लम जो मेरे इन 5-6 साल में आई होगी ना, वो सपोर्ट नहीं था मेरा, वो मेरे आगे खड़ा था सब चीज़ें अपने ऊपर लेने के लिए। एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव, जो भी यहाँ चीज़ें ऐसी हो जाए, जैसे बोल रहे ना कि आप 200 लड़के मेरे पास है, जो भी बोला था, गुस्से में आके इंसान कभी कभी बोल जाता है, तो मैं यही मानती हूँ कि विक्की ने बोला जो कि गलत था, बिल्कुल मुझे भी हर्ट हुई है तब के तब, लेकिन आई फील उसका वो इंटेंशन कभी नहीं था, उस चीज को उस तरीके से रखने का इंटेंशन। लेकिन हाँ, हम इस घर में हैं, हमें वो छोटे छोटे पॉइंट्स भी हर्ट कर जाते हैं। आज बहुत चीजें होती है जो मुझे चुप जाती है, मैं रोने लगती हूँ, यू नो, कहीं ना कहीं मुझे बहुत हर्ट होती है, वो इतने टाइम का पाइलअप है। लेकिन इतना एक चीज जो सच्चाई है इस रिश्ते की, कि प्यार बहुत है, ऐसा प्यार मुझे किसी लड़के ने आज तक नहीं किया, ये मेरा डेफिनेटली एक स्टेटमेंट होगा। क्योंकि जितना सैक्रिफाइस, जितना कॉम्प्रोमाइज, जितना प्यार उसने मुझे और मेरे परिवार को दिया, उतना किसी ने नहीं दिया। बस
मेरा आंसर इन्होंने दे दिया क्या बात अब मुझे कुछ बोले अच्छा सबसे आंसर वही होता है कि जो सामने वाला इंसान दे दे मैं सच बोल रहा हूँ मैम क्या दिखा क्या गया ये आज शायद पहले दिन है जब ये पता चल रहा है कि शायद क्या जब हम दोनों एक जिंदगी अपनी बस जी रहे थे यहाँ पे जी रहे थे बाहर भी जीते हैं तब कुछ क्या होता है हमको नहीं पता चलता उस दिन शायद रोज अपडेटेड हो जाते हैं यहाँ पे 100 दिन बाद अपडेटेड थोड़े ऊपर नीचे कभी हो जाता है मतलब सच में शब्द अगर उसकी चोट ज्यादा बड़ी होती है शब्दों की तो चोट यहाँ पे कुछ भी नहीं है शायद शब्द बड़े और चोट कुछ नहीं है मतलब हम दोनों ऐसे ही रहते हैं हमेशा और हम दोनों सच में एक दोस्त की तरह ज्यादा रहते हैं इसलिए इतना हक एक दूसरे को दे रखा है कि कुछ भी कर देते हैं तो एंजॉय कर लेते हैं बट हाँ कोई ऐसे इमोशन से जो उस टाइम पे टेस्ट हुए और उतनी जल्दी हम इसको मेंडअप भी इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हम दोनों का रिश्ता ज्यादा बड़ा है शब्द हम लोग के लिए बहुत छोटे हैं इसलिए हम कुछ भी बोलते रहते हैं बट अगर किसी की भी फीलिंग एक दूसरे की हाथ हुई हो तो उसके लिए भी सॉरी और किसी की हुई होगी तो प्लीज कोई नैरेटिव सेट मत करिए थोड़ा टाइम दीजिए अगली बार फिर ऐसे हंसते दिखेंगे ना तो सब भूल जाएंगे